प्रिय श्रोताओं, मैं आज बताने जा रहा हूँ 30 तारीख को जो शनिश्चरी अमावस्या आ रही है, जिनको भी साढ़े साथी दैया गोचर में शनि अगर चल रहा है किसी के, तो आप ये मैं जो बताऊँगा वो उपाय करें, बड़े सरल है। ये शनि अमावस्या को 30 अप्रैल को ये उपाय करें तो आप सभी दुखों से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो उठ करके जो ही अपन उठे, उठते चिन्ह मुद्रा में होकर के आलती पालती मार करके बिस्तर पर ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ये 21 बार नाम लेकर के उठे। उसे उच्च फिर वो दैनिक शौचादि काम से निवृत्त होना, ये काम तो सभी मेरे करना है। और उसके बाद में घर की साफ सफाई अवश्य करना है। ऐसा योग कई वर्षों बाद आता है, फिर गए साल भी था ऐसा योग, परंतु और 10 साल में आता है योग, बड़ा मुश्किल से आता है। और इस दिन जो भी क्रियाएं की जाती है वो सफल होती है, न किसी पंडित से करवानी, हाथ से करनी है सब, अपने मनोयोग से। हाँ सर, और बड़ी सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके ये सब क्रियाएं निवृत्त होने के बाद आपको फूल की माला या पुष्प हो, अगरबत्ती वगैरह करके शनि की मूर्ति हो, मूर्ति जरूरी नहीं, मूर्ति हो हर एक परिवार में शनि की तस्वीर तो जरूर होगी सबके पास, ऐसी कोई बात नहीं। तो उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, और हो सके तो माला वगैरह पहना दीजिए और तिलक लगा दीजिए और अगरबत्ती कर दीजिए, नारियल वगैरह भेंट कर दीजिए। इस तरह से शनि स्रोत का पाठ अवश्य करना है, शनि स्रोत का पाठ। उसके बाद दशरथ स्रोत का पाठ करना है। दशरथ स्रोत के बारे में पहले भी मैंने आपको कहानी बता दी क्या कहानी थी, और उसके बाद में क्या करना है कि शनि मूर्ति को भोजन करते समय पहले काले कुत्ते को जरूर दो रोटी निकाल करके खिला दें। काला कुत्ता अगर नहीं है तो आप काली गाय को खिला सकते हैं। अगर आप ये नियम ये करेंगे आप शनिश्चरी अमावस्या को, तो आप शनिदेव जिंदगी भर कभी दुख नहीं देगा। हो सके तो घर आए किसी भी भिखारी को आप दान के लिए इनकार नहीं करें, जो कुछ भी दक्षिणा आप देना चाहो भेज दे दीजिए, रुपया रुपया तेल वगैरह जो भी कुछ देना चाहें, अपने जूते हैं या कोई किसी कंबल वगैरह आप देना चाहें तो इनकार कभी मत होइए शनिवार को, शनिश्चरी अमावस्या को। मेरी राय माने तो आप शनि से पीड़ित जो भी व्यक्ति है, कोई पंडित अगर कहता है कि नीलम पहन लो साहब, नीलम से शनि खुश हो जाएगा, नहीं, कदापि खुश नहीं होता। बंदर को जब शराब पिलाते तो क्या करता है, एक डाली से उस डाली पर कूदता है, खुद उठता रहता है। शनि की भी यही प्रवृत्ति है, उसको अगर नीलम पहना करके अगर उसको थोड़ा तेज बना देंगे तो वो आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। तो सबसे बेहतरीन है काले घोड़े की नाल की जो बनी हुई मुद्रिका होती है, मैंने शनिश्चरी अमावस्या को पहले भी बनाई थी, एक बार शनिश्चरी अमावस्या आई थी, तो इसी सिद्ध की हुई वो आप बीच वाली अंगुली में पहन सकते हैं, और उससे भी आपको काफ़ी कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। किसी भी प्रतिष्ठित शनि मंदिर में उस रोज जाएँ और पुष्पों की माला और थोड़ा तेल भेंट करने के लिए नारियल प्रसाद वगैरह अगरबत्ती वगैरह जरूर ले जाएँ, और उनके आगे आप मन्नत करिएगा कि हे भगवान, हे शनिदेव, आप मेरे आराध्य देव हैं,
आप मुझे पीड़ा से निजात दिलाने, इस तरह से मुझे कहिएगा कि वो आदमी जरूर सुनेगा। हो सके तो वहाँ उसी प्रतिष्ठित मंदिर में कोई अपाहिज और उनको जूते वगैरह पहना सकते हैं, कंबल वगैरह आप दे सकते हैं, इतना सा आप करिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर शनिवार कोई मूर्त वगैरह नहीं देखा जाता है, इसमें शनि श्री अम्बावसा को किसी भी समय, वैसे 12 बजे से 4:30 बजे तक अच्छा ही मुहूर्त रहता है, परंतु तो बिना मुहूर्त आप काले घोड़े की नाल यूँ ऊपर खुला हुआ मुँह नीचे खुला हुआ मुँह अपने दरवाजे के चौखट पर जरूर लगाइए, उससे भी काफ़ी जो नेगेटिव किरणें अंदर जो आती है वो नहीं आएगी। कभी भी आपको शनि लगा हुआ है, शनि से पीड़ित है, तो अभक्ष भोजन नहीं करें, मांसाहारी नहीं करें। शनि किसी को बख्शता नहीं है, माफ नहीं करता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। शनि की जो भी दशा वगैरह है आपके ऊपर, आप बिल्कुल निर्मल हृदय वाले रहिए और चिटबाजी नहीं चलती इसके सामने, उनके सामने बिल्कुल साफ हृदय से रहिए आप। इस दिन हो सके तो शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके आप तेल के दो दीपक जरूर जला दीजिए और परिक्रमा कर लेफ्ट टू राइट परिक्रमा जरूर करिए और करीबन 7 बजे के आसपास। हो सके तो शाम को टाइम मिले अगर आप तो कहीं हनुमान जी के मंदिर में जा करके सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा, उस रोज शनि महाराज की कृपा भी होगी, हनुमान जी बालाजी की कृपा होगी आपके ऊपर, निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि का प्रकोप नहीं रहेगा। सुंदरकांड का पाठ है, बजरंग बली बजरंग बाण है, स्रोत वगैरह ये आप कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि उस रोज शाम को कहीं भी सोए हुए व्यक्ति है, कोई भिखारी है, या ऐसा कोई अफाइज वगैरह कहीं आपके गांव में, या कोई कहीं ऐसा सोया हुआ, चुपके से जा करके एक काली कमल नहीं होनी चाहिए, वो जरूर ओढ़ा दें। बस ये काम करना है आपको, ये शनि का काम हो गया, किसी न तो किसी पंडित को पूछना है और कुछ नहीं, ये जो मैंने बताया वो ये जो काम है आप अगर ये कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में शनि की वो गलत भाव में जो बैठे हुए हैं वो उस पर 17 की पूजा जो होगी वो आप उससे निजात पा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस 30 तारीख को आने वाली शनिश्चर अमावस्या को आप जरूर मेरे बताए हुए आप इनको उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करेंगे और आपको उनके द्वारा दी हुई पीड़ा से निजात पाएंगे।